बाबा भारामल धाम में हुए हत्याकांड में प्राण गंवाने वाले धाम के मुख्य सेवादार स्वर्गीय महंत बाबा हरिगिरी के पार्थिव शरीर को निर्माण बाबा कुटिया में दर्शन हेतु रखा गया। उसके बाद उन्हें समाधि दी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाबा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। बृहस्पतिवार की देर रात खटीमा के सीमांत सुरई वन रेंज में स्थित बाबा भारामल धाम में हुए हत्याकांड में प्राण गंवाने वाले धाम के मुख्य सेवादार स्वर्गीय महंत बाबा हरिगिरी के पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम के बाद निर्माण कुटिया में जनता के दर्शन के लिए रखा गया, जहां विशाल जनसमूह ने बाबा के अंतिम दर्शन किए, जिसके उपरांत बाबा हरिगिरी की अंतिम यात्रा निकाली। बाबा भारामल धाम में जूना अखाड़ा परिषद के महंतों एवं साधु संतों की देखरेख में बाबा हरिगिरी की इच्छा के अनुरूप उन्हें समाधि दी गई। इस अवसर पर मौके पर उपस्थित संत समाज ने प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस से बाबा महंत हरिगिरी के हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़कर न्याय दिलाने की मांग की। नागा साधुओं ने चेतावनी भरे लहजे में प्रशासन से कहा कि 7 दिन के अंदर वे अपराधियों को पकड़ लें। उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि इस घटना पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। हरिगिरी हो गए हैं आज यहाँ पर, उनका समाधि अभी यहाँ पर उनको समाधि दे दी गई है और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भी अपनी श्रद्धांजलि उनको व्यक्त की गई है और पुष्प चक्र उनका भेंट किया गया है और उनको संवेदना व्यक्त की गई है सारे संत समाज को कि उनकी जो अकाल मृत्यु हुई है। तो हम सब तहसील परिवार भी उनकी इस असामयिक मृत्यु में बहुत संवेदना व्यक्त करते हैं और आज उनको अभिनंदन कर देगा सारी स्थितियाँ कारण। हमारी तो अखाड़े की तरफ से, साधु संतों की तरफ से यही है कि कानून की तरफ से हमें मदद मिले और मुजरिम पकड़े जाए। हमें सरकार से और खटीमा वालों से निवेदन है ये कि हाथ जोड़ के हमारे को इंसाफ चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी। 1 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं सरकार को, उसके बाद नहीं हमारी सुनवाई हुई तो हम सारे नागा बाबा रोड पे उतर जाएंगे, रोड जाम करेंगे, चाहे मरे चाहे मारे, यही हमारा एक है। यहाँ जूना अखाड़ा के महंतों ने अपने रीति रिवाजों के साथ, हम लोगों ने भी हमारे रीति रिवाज के साथ बाबा जी के इच्छा अनुसार उनको गुफा के रूप में उनको मतलब एक तरीके से समाधि दिया है, इष्ट समाधि बोल। देर रात्रि को हुआ है और बताना चाहूँगा पोस्टमार्टम में पैनल विथ वीडियोग्राफी हुआ है, तो दो डॉक्टरों की पैनल रहती है, तो उनका दोनों का सिग्नेचर होकर रिपोर्ट अभी आया नहीं है, जैसे ही आ जाएगा आपको बता दूँ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।